जय जगन्नाथ आपण मानको हम YouTube चैनल रो गोटे फ्रेश अध्याय रो गोटे फ्रेश नोटिफिकेशन को बहुत बहुत स्वागत। आज रो अध्याय रे भी आमे आपण पे किछु गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स नै आसी छु जोटे कि वर्तमान आसी जाय छी ओपीएससी तरफ रु माने ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ रु आपण पे किछु पोजीशन रो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश हे छी जोथरी कि आपण पे बहुत गुडा पोजीशन पोस्ट रो वैकेंसी बाहरि छी से पोस्ट सब को किछु पोजीशन रे डिवाइड कराय छी सेही रिक्रूटमेंट विषय रे मु आपण को डिटेल्स रे कहिबी कोन कोन पोजीशन बाहरि छी एवं से पोजीशन पे एग्जैक्ट केतोटी पोस्ट रो वैकेंसी रहि छी से पोस्ट आपण माने किभली भाबरे अप्लाई करिवे अप्लाई करिवार कोन सब क्राइटेरियास रखाय छै माने आपण मानकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माने आपणकर एज लिमिट क्वालिफिकेशन आपण माने किभली भाबरे से पोस्ट को अप्लाई करबि पे स्केल कोन रहै छै सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रखाय छै यदि आपण मानक पई एप्लीकेशन फीस रखाय छै ताहाले केतो टंका रखाय छै बहुत सबटु बड इम्पोर्टेन्ट कथा लाइ पोस्ट रो लास्ट डेट केबे अछि केबे भी पोस्ट को पोस्ट आपण माने अप्लाई करि परिबे एवं को तारीख पर्यंत अप्लाई करिवार लास्ट डेट रखाय छै से सब को मु आपण को वीडियो रे कवर करिया पे चेष्टा करिवि सति वीडियो की कंप्लीट देखिवे एवं पर्टिकुलर जॉब नोटिफिकेशन को नेकी यदि आपण को मन रे किछि बा डाउट रहइबो कमेंट करिया पे जमर भी भूलिबे नै तो चलंतु स्टार्ट करिवा आजरा वीडियो जेमती कि मु आपण को कहली ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन माने ओपीएससी तरफ रु 386 टी पोस्ट रो वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश होय छि। आपण माने ठीक सुनले 386 टी पोस्ट रो वैकेंसी बाहरि छि ओपीएससी तरफ रु जो अछि जो पोस्ट गुडा बाहरि छि से होछि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे जोथरी कि आपण पे दुईटी पोजीशन बाहरि छि एवं दुईटी पोजीशन पे टोटल 386 टी पोस्ट रो वैकेंसी रहि जाय छि। प्रथमे आम कथा जीवा कौन कौन पोजीशन बाहर से पोजीशन पे एग्जैक्ट केतेटी पोस्ट रो वैकेंसी रही जाइछि। प्रथम अछि आपण पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल सेथिमे आपण पे 353 टी पोस्ट रो वैकेंसी बाहर माने 353 पोस्ट रो वैकेंसी बाहर जाइछि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल पे। से बोली बारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेकानिकल सेथि पे 33 पोस्ट रो वैकेंसी बाहर माने 33 टी पोस्ट रो वैकेंसी बाहर जाइछि मेकानिकल रे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे। तो ये हे गेला आपण पे पोस्ट रो डिटेल्स कौन पोजीशन बाहर छि एवं सेथि पे एग्जैक्ट केतोटी वैकेंसी बाहर जाइछि। अबे हमें क्वालिफिकेशन विषय रे डिटेल्स रे डिस्कस कर दवा सेतिबे आपण मान पाखरे मिनिमम माने मैक्सिमम मोस्ट आपण मान पाखरे रहितबा दरकार इंजीनियरिंग डिग्री आपण मान पाखरे निहाती भाव रे थिबा दरकार यदि आपण माने पोस्ट को अप्लाई करछन यदि आपण माने सिविल माने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल पे जो बाहर जो पोस्ट 353 से पोस्ट को यदि आपण अप्लाई करबे तले सिविल रे आपण माने सिविल ट्रेड रे आपण मानकर इंजीनियरिंग आपण माने कंप्लीट करथियो दरकार मेकॅनिकल यदि पोस्ट पे अप्लाई करबे तले मेकॅनिकल रे आपण मान पाखरे डिग्री थिबा दरकार इंजीनियरिंग डिग्री। तो ये गेला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे स्केल विषय यदि आपण को भी डिटेल्स रे मेंशन करा जाय नाही किंतु गवर्नमेंट रो रूल रे 12 पे स्केल रे आपण मानकू सैलरी मिलिवो तो ताय विषय रे नोटिफिकेशन ने मेंशन कराय छी। से बोले एज लिमिट विषय यदि कहिबी ताले मिनिमम एज 21 मैक्सिमम 32 21 रे 32 वर्ष भितरे यदि आपण मानकर एज अछि ताहले ही आपण माने पोस्ट को अप्लाई करि परिबे। सेभळी भाबरे जदि आप्लिकेशन फीस विषय आमे कथा हबा ताले एससी एवं एसटी कैंडिडेट पई कोनसी आप्लिकेशन फीस रखा जाय नाही जनरल कैंडिडेट पानक पई 500 टका रे आप्लिकेशन फीस रखाय छी। आपण माने से पोस्ट को जदि अप्लाई करबे ताले आपण माने 500 टका रे आप्लिकेशन फीस दबा को पडिजो। एबे सिलेक्शन प्रोसीजर विषय जदि कहबी ताले दुईटी प्रोसेस रे आपण मानको सिलेक्शन करा सिलेक्ट करा जइबो गोटाला रिटन टेस्ट आपण मान जदि रिटन टेस्ट रो क्वालिफाई करूछन ताले आपण मानको पर्सनल इंटरव्यू पई ही डका जइबो। तो फर्स्ट आपण रिटन टेस्ट करा जइबो तापर आपण मानको पर्सनल इंटरव्यू पई डका जइबो। से बोलो रे एग्जामिनेशन रो माने प्लेस विषय जदि आमी कथा हवा ताले एग्जामिनेशन प्लेस कटक पई फाइनल कराई छि किंतु भुवनेश्वर बालेश्वर ब्रह्मपुर एवं संबलपुर रे भी आपण मानकर एग्जामिनेशन हेई पारे किंतु गोटे नोट मेनसन कराई छि यदि से एरिया रु कैंडिडेट अधिक अप्लाई करंदी ताहाले से सब एरिया रे आपण मानकर एग्जामिनेशन कराई जइबो नहले कटक रे आपण मानकर एग्जामिनेशन करा जइबो। तो एबे पोस्ट को आपण माने कि भली भाबे अप्लाई करबे अप्लाई करे बोले आपण मानको ऑफिशियल वेबसाइट को जे पे पड़े माने ओपीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करे पे पड़िवो सेठी आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे पोस्ट को अप्लाई करबे जाकी 7 जून 2019 माने आज हे गेला आपण मानकर 4 तारीख
3 दिन पारे online application form fill up करिवा strategy भी online रे OPSC official website रे जोड़ा की 6 जुलाई 2019 तारीख पर्यंत रहियो तो आपण माने official website को जाई की माने OPSC official website को जाई की आपण माने online माध्यम रे post सब को apply करि परियो तो ये तो थिला ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन माने ओपीएससी तरफ पर बातवा 386 इंजीनियरिंग पोस्ट रो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जतरे सिविल एवं मैकेनिकल कैंडिडेट ही पोस्ट को अप्लाई कर परबे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे तो ए रिक्रूटमेंट विषय रे मो अपन पूरा डिटेल्स रे कहली तथापि यदि अपन को मन रे किछो डाउट रहि जबो कमेंट करया पे जोर रे बोली बनी से कमेंट बॉक्स रे मो अपन को क्वेश्चन आंसर कर देबी एवं कोन सी कारण रे वीडियो जदि अपन को पसंद असले तले लाइक करबे लाइक करले कोन हमरा मोटिके मोटिवेशन मिलबो लाइक करियो जते वीडियो टिके शेयर कर दो शेयर करले कोन हमरा अपन फ्रेंड और फैमिली भीतर केही जो जदि गवर्नमेंट जॉब सर्च करथिन तले से माने पे नोटिफिकेशन टी निहाति भाबरे हेल्पफुल हो से पे नीचे देखबा सो तरी माने सो वीडियो टिके शेयर करहतु अब जो फ्रेंड माने जे फर्स्ट टाइम हम चैनल को विजिट करछन दोकरे हम चैनल को सब्सक्राइब करने दो कने हम डेली बडे अपन पे जॉब नोटिफिकेशन नहीं आस्त से पे चैनल को सब्सक्राइब करे सो तो नोटिफिकेशन बटन ऑन रखंतु आगे समय रे हम अपन पे आउ किछु नुवा जॉब नोटिफिकेशन